Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to discuss a very important topic from unit number 1, Fundamentals of Chemistry, and the topic is chemical formula. Generally, we can define as what are the chemical formulas. Compounds are represented by chemical formula. Chemical formula actually kahan use hota hai? कोई भी कंपाउंड जो है वो हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द केमिकल फार्मूला. सो हमें पहले एक नज़र देख लेना चाहिए व्हाट आर कंपाउंड्स. कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्टिंग ऑफ टू आर द मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास. कंपाउंड जो हैं वो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं और ये दो या दो से ज़्यादा मे बी सिमिलर आर डिफरेंट टाइप ऑफ द एलिमेंट से मिल के बनते हैं, लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट दे आर केमिकली कम्बाइंड टुगेदर, यानी उनके दरमियान केमिकल बॉन्ड होता है और फिक्स रेशियो बाय मास होता है, यानी हर एक एलिमेंट एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ एटम्स के साथ उस कंपाउंड को बनाता है. और ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड द एलिमेंट मस्ट अंडरगोज टू अ केमिकल चेंज. इसका मतलब क्या हुआ कि जब कभी कंपाउंड बनेगा तो उसको बनाने वाले जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में केमिकली कंबाइन होंगे. मीन टू से अ केमिकल चेंज विल बी अपीयर, इसको हम केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं. सो द ओरिजिनल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर टोटली डिफरेंट इन अ कंपाउंड फ्रॉम विच इट इज़ फॉर्म्ड, यानी कोई कंपाउंड है उसको बनाने वाले जो एलिमेंट्स हैं, एज यू नो दैट स्टूडेंट्स एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर एटम्स. तो जब हम एटम्स के हैं तो भी हमारा मुखातब हमारा मतलब एलिमेंट्स ही होगा. तो डिफरेंट एलिमेंट्स हों या सेम एलिमेंट्स हों, जब इनके एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं केमिकली तो इनके दरमियान केमिकल रिएक्शन होता है और इस रिएक्शन के नतीजे में जो कंपाउंड बनेगा तो कंपाउंड को बनाने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ टोटली डिफरेंट हो जाती हैं जब वो एलिमेंट्स केमिकल चेंज से गुजरते हैं. सो आई कैन रिपीटेड द डेफिनेशन ऑफ द कंपाउंड. कंपाउंड जो हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड द एलिमेंट मस्ट अंडरगो टू अ केमिकल चेंज सो द ओरिजिनल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर टोटली डिफरेंट इन कंपाउंड फ्रॉम विच इट इज़ फॉर्म्ड. यह हम मिसाल देते हैं NaCl की. NaCl एक आयनिक कंपाउंड है. कंपाउंड की डिफरेंट टाइप्स हैं. कंपाउंड स्टूडेंट्स आयनिक कंपाउंड्स भी हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स भी हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स भी हैं. सो जो स्टूडेंट्स कंपाउंड के डिफरेंट टाइप्स हैं, ये आयनिक भी होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स भी होते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स भी होते हैं. डिपेंड करता है कि वो कंपाउंड किस केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू बना है. तो इसका मतलब क्या हुआ, केमिकल बॉन्ड भी तीन टाइप का होता है, आयनिक बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग, जो हम अगले टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे. यहाँ आपको एक कंपाउंड आयनिक कंपाउंड नज़र आ रहा है NaCl. NaCl जो है ये दो एलिमेंट्स के मिलने से बनता है, सोडियम एलिमेंट एंड क्लोरीन एलिमेंट. ये सोडियम क्लोराइड जो है ये आयनिक कंपाउंड है. इसका केमिकल नेम सोडियम क्लोराइड है, केमिकल फार्मूला NaCl है और ये आयन से मिलके बनता है. इस डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ ग्रीन और ब्लू बॉल से एक आयनिक मॉडल शो किया गया है जो कि फार्मूला यूनिट है. फार्मूला यूनिट याद रखें स्टूडेंट्स हमेशा आयनिक कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स के लिए यूज़ किया जाता है. मॉलिक्यूल्स स्मॉलेस पार्टिकल होते हैं किसी भी कंपाउंड का, लेकिन जब कंपाउंड आयनिक हो तो फिर उसके जो स्मॉलेस यूनिट होगा उसको हम फार्मूला यूनिट कहेंगे, उसको हम मॉलिक्यूल नहीं कहेंगे. जनरली देखने में जो NaCl है वो इस तरह पिंक कलर का ये रॉक सॉल्ट होता है, इसको टेबल साल्ट भी कहा जाता है. ओके कम टू योर टॉपिक. ये कंपाउंड जो है हमारे पास NaCl है जो कि दो एलिमेंट से मिलकर बना है, सोडियम एंड क्लोरीन. और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये आयंस हैं, यानी सोडियम आयंस और क्लोरीन आयन के मिलने से ये आयनिक कंपाउंड बना है. सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज क्यों है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि सोडियम कैटाइन है और क्लोरीन
एनायन है। सोडियम के पास आउटरमोस्ट शेल में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है जो कि ये लॉस कर देता है और स्टेबल हो जाता है, जबकि क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। एटॉमिक नंबर क्लोरीन का 17 होता है, सोडियम का 11 होता है। तो सोडियम अपने आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, मुकम्मल तौर पर रिलीज कर देता है, और इससे कौन ले लेता है, क्लोरीन एटम। और ड्यूरिंग अ रिडॉक्स रिएक्शन यानी लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एट द स्पॉट, एक ही केमिकल रिएक्शन के अंदर हो रहा होता है, तो आयनिक बॉन्डिंग इससे मुकम्मल हो जाती है और दोनों एटम्स के ऊपर ऑपोजिट आयन चार्ज अपीयर हो जाते हैं। सोडियम के ऊपर पॉजिटिव क्यों आएगा, इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, ऑक्सीडेशन की है, जबकि क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों अपीयर हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, रिडक्शन में हिस्सा लिया है। क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइड बाय साइड दोनों का केमिकल रिएक्शन एक ही रिएक्शन के अंदर हो रहे हैं, इसलिए इन रिएक्शंस को हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। और इन रिएक्शन के नतीजे में बनने वाले कंपाउंड्स आयनिक कंपाउंड्स होंगे, और इन कंपाउंड्स के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को फार्मूला यूनिट कहा जाता है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम डिस्कस करेंगे, और वो उस बात का प्रूफ होगा जो अभी हमने कहा कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन जब कंपाउंड बनते हैं तो कंपाउंड को बनाने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ को बिल्कुल लूज़ कर देते हैं। सो सोडियम जो है वो मेटल है और क्लोरीन नॉन मेटल है। अब यहाँ एक और चीज़ को भी क्लियर करते हैं, एलिमेंट्स जो होते हैं वो नेचर में पाया जाने वाला जो है वो प्योर सब्सटेंस है जो कि नेचर में पाया जाता है, और ये तीन फॉर्म में पाया जाता है। ये एलिमेंट जो है ये मेटालिक स्टेट में भी हो सकते हैं, ये नॉन मेटालिक स्टेट में भी हो सकते हैं, ये मेटालाइट में भी हो सकते हैं। जब एलिमेंट मेटल होगा तो इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो नॉन मेटल से डिफरेंट हो जाएंगी, मीन टू से जब ये एलिमेंट होगा तो चाहे ये एलिमेंट चाहे मेटल हो, नॉन मेटल हो या मेटालाइट हो, ये सारे के सारे सिमिलर टाइप ऑफ द एटम से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। अब व्हाट आर मेटालाइट्स, ऐसे तमाम एलिमेंट जिसमें मेटल्स और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ कंबाइन हों, मौजूद हों नेचुरली एक ही जगह, उसको हम मेटालाइट कहते हैं। मेटल्स जो हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और मेटल्स जो हैं नॉन मेटल इसके ऑपोजिट होंगे, वो बैड कंडक्टर या नॉन कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होंगे। तो ये एलिमेंट्स में मेटल नॉन मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, और भी ढेर सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन हम अपने टॉपिक पे ही रहते हैं कि जो सोडियम है ये मेटल है और क्लोरीन नॉन मेटल है। सोडियम मेटल है, ये सॉलिड स्टेट में पाई जाती है, बट क्लोरीन जो है ये नॉन मेटल है, ये गैसीय स्टेट में पाई जाती है। सोडियम इतनी सॉफ्ट मेटल है विद सिल्वरी वाइट अपीयरेंस एंड कलर के जिसको आसानी से नाइफ के साथ कट किया जा सकता है, बट इज़ हार्डली रिएक्टिव इन नेचर एंड क्रैप्ड इन द केरोसिन ऑयल इन द लैब्स यूजुअली। लेकिन ये हाईली रिएक्टिव है, ये एयर में मौजूद जो वाटर वेपर्स होते हैं उनके साथ रिएक्शन करती है और सोडियम जो है एक्सप्लोसिव क्रिएट करती है, यानी धमाका पैदा करती है। तो सोडियम मेटल को लैब्स के अंदर यूजुअली केरोसिन ऑयल मिट्टी के तेल में डिप करके रखा जाता है, जबकि जो क्लोरीन है इट इज़ अ नॉन मेटल एंड इट इज़ इन अ गैशियस फॉर्म विद अ ग्रीनिश येलो कलर, इट इज़ अ पॉइजनस गैस। मीन टू से क्लोरीन जो है वो ग्रीनिश येलो सा इसका कलर होता है, ये गैशियस स्टेट में होती है, और ये इतनी पॉइजनस गैस होती है कि लैब्स के अंदर पहले जो बनाई जाती थी फिर इसको बैन कर दिया गया। सोडियम मेटल जो है वो सिल्वरी वाइट कलर में होती है, क्लोरीन जो है वो ग्रीनिश येलो कलर में होती है, क्लोरीन गैस, और एक हाईली रिएक्टिव है, दूसरी हाईली पॉइजनस इन नेचर है। बट जब दोनों मिलकर कंपाउंड बनाते हैं तो इनकी नेचर बिल्कुल चेंज हो जाती है। यह आप देख सकते हैं सोडियम जो है इसका एटॉमिक नंबर 11 है, सिंबल इसका Na है, और इसका जो एटॉमिक वेट है 23 होता है। बॉटल में आप देख सकते हैं सिल्वरी वाइट कलर में आपको सोडियम मेटल नज़र आ रही है, और इसको केरोसिन ऑयल में डिप किया गया है, जबकि साथ में आप देख सकते हैं बीकर के अंदर जो सोडियम मेटल है ये इन द प्रेजेंस ऑफ द एयर
एयर के अंदर मौजूद जो पार्टी जो वाटर वेपर्स हैं उनके साथ इसने रिएक्शन किया और अब बर्निंग इफेक्ट आप इसका देख सकते हैं। जबकि क्लोरीन जो है इसका सिंबल Cl होता है और इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये गैसीय स्टेट में कैप्ट की गई है एक ग्लास बॉटल के अंदर जो कि जार की फॉर्म में है। और अब इन दोनों एलिमेंट्स को बताने का मतलब क्या है, आप सोडियम को भी देख लीजिए, आप क्लोरीन को भी देख लीजिए, लेकिन आप अपने घरों में इस्तेमाल होने वाले टेबल साल्ट को अगर देखें तो वो बिल्कुल वाइट कलर का होता है, ठीक है। और उसमें ना सोडियम के एज ए एलिमेंटल जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो होती हैं, ना उसमें क्लोरीन की एलिमेंटल जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हैं। और दिन रात हम NaCl खा रहे हैं, हमारा कोई भी जो है वो खाना सोडियम क्लोराइड के बगैर मुकम्मल नहीं है। यहाँ केमिकल रिएक्शन को शो किया गया है जो मैंने इन वर्ड्स आपको से पहले एक्सप्लेन किया, सोडियम एटम क्लोरीन एटम जो हैं आपस में रिएक्शन करते हैं। सोडियम और क्लोरीन जब आयन बनाते हैं तो इसका मतलब क्या है, सोडियम ये मिड में दो एरो आप एक दूसरे की तरफ पॉइंटेड हैं, इसका मतलब क्या है, एक ही जगह पर ये रिएक्शन हो रहा है, इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो रिडॉक्स मीन रिडक्शन, ऑक्स मीन ऑक्सीडेशन। तो सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस करके पॉजिटिव आयन बनाता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आयन बनाता है। दोनों आयन्स के दरमियान अपोजिट आयन्स हैं, इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो जाती है जिसको इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं और जिसके नतीजे में आयनिक बॉन्डिंग बनती है। अब ये कंपाउंड बन गया हमारे पास और इस कंपाउंड को हम देख के बता सकते हैं इसके फार्मूला को कि इसको बनाने वाले एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे पॉज करें और दोबारा से आप प्रीवियस डिस्कशन को देख लें कि NaCl किसको शो करेगा। ये केमिकल फार्मूला है लेकिन केमिकल फार्मूला जो है वो हमें बहुत सारी मालूमात देता है। तो लेट्स टूवर्ड्स आवर मेन टॉपिक जिसके लिए हमने ये सारी डिस्कशन की, केमिकल फार्मूला क्या होता है। इट इज़ एबिवेशन यूज फॉर द फुल नेम ऑफ अ कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ द सिम्बल्स, यानी ये एक शॉर्ट फॉर्म होता है केमिकल फार्मूला। किसी कंपाउंड का पूरा नाम लिखने की बजाय हम शॉर्ट फॉर्म में उसको जब लिखते हैं वो केमिकल फार्मूला है। आर द सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। केमिकल फार्मूला इज अ सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। अब आप यहाँ डायग्राम में इसमें देख सकते हैं इस नोट में NaCl एंड CH4। NaCl किसको शो कर रहा है, ये एक केमिकल फार्मूला है जो कि कंपाउंड NaCl को शो कर रहा है और ये इसी कंपाउंड NaCl के एक मॉलिक्यूल को भी शो कर रहा है और ये हमारे पास मालूमात दे रहा है कि ये किसी कंपाउंड का जो है वो मॉलिक्यूल है। इस तरह ये हमें बताता है, इट आल्सो टेल्स अस अबाउट द टाइप्स ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल एंड द रेशियो ऑफ द डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड। केमिकल फार्मूला शॉर्ट फॉर्म ऑफ द कंपाउंड होता है, केमिकल फार्मूला सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड होता है। केमिकल फार्मूला हमें ये बताता है, फॉर एग्जांपल NaCl, ये हमें ये बताता है, केमिकल फार्मूला है ना, ये हमें ये बताता है कि इसमें कितने टाइप ऑफ एटम्स जो हैं वो यूज हैं जो मिलते हैं और आपको ये एक मॉलिक्यूल बना के देते हैं NaCl, यानी सोडियम एलिमेंट है और क्लोरीन एलिमेंट है। फिर हमें वो ये मालूमात भी देता है केमिकल फार्मूला कि इसमें हर एलिमेंट के कितने एटम्स इन्वॉल्व हैं। तो उससे NaCl तो सोडियम का एक एटम है, क्लोरीन का एक एटम है, दोनों ने मिल के NaCl का एक मॉलिक्यूल बनाया। इस तरह अगर हम देखें CH4 मीथेन को, मीथेन इज़ अ नेचुरल गैस जो हमारे घरों में कुकिंग पर्पज़ के लिए, हीटिंग पर्पज़ के लिए, गीजर्स वगैरह में भी यूज़ की जाती है। CH4 ये किसको शो कर रहा है कि ये मॉलिक्यूल है मीथेन गैस का और इसमें दो एलिमेंट हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन का एक एटम है इस मॉलिक्यूल के अंदर और हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं इस मीथेन के से एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए। टाइप्स ऑफ द केमिकल फार्मूला जो है वो 3 है हमारे पास मेन, मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला, फार्मूला यूनिट।
मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो हमेशा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए या ऐसे कंपाउंड जिनमें कोवलेंट बॉन्डिंग होती है उसके लिए लिखा जाता है। एम्पेरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट फार्मूला है, ये आयनिक कंपाउंड्स के साथ साथ कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए भी लिखा पढ़ा जाता है और इस तरह मजीद जो कंपाउंड्स भी हैं। और फार्मूला यूनिट्स ये हमेशा ये केमिकल फार्मूला है लेकिन ये किस कंपाउंड्स को शो करने के लिए यूज़ होगा, इट इज़ यूज फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स। तो मीन टू से वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ द केमिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला एंड फार्मूला यूनिट। मिसाल है यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला ग्लूकोज C6H12O6, इसमें ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है किसका, ग्लूकोज का, और हमें ये क्या बता रहा है कि इसमें इस एक मॉलिक्यूल के अंदर तीन एलिमेंट यूज हुए हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब हर एक एलिमेंट ने कितने एटम्स दिए या कितने एटम के थ्रू इसने मिलके एक मॉलिक्यूल बनाया ग्लूकोज का, तो कार्बन ने 6 एटम के साथ जो हिस्सा लिया इस मॉलिक्यूल को बनाने में, हाइड्रोजन ने 12 एटम्स के साथ हिस्सा लिया और ऑक्सीजन ने 6 एटम्स के साथ हिस्सा लिया ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए। इसी का अगर एम्पेरिकल फार्मूला देखा जाए, एम्पेरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट फार्मूला होता है जो कि किसी मॉलिक्यूल में पाए जाने वाले एलिमेंट्स के एटम्स के दरमियान सिंपलेस्ट रेशो को शो करता है। CH2O इसका एम्पेरिकल फार्मूला है इसी ग्लूकोज का। और थर्ड हमारे पास एक एग्जाम्पल है अगेन फार्मूला यूनिट के लिए, सोडियम नाइट्रेट। इन तीनों फार्मूला पे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।